देश में गरीब और भुखमरी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोगों को इस संकट के दौर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा और भारत देश की मौजूदा सरकार मानो तमाशा ही देख रही हो। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर चोरी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन सिरसा शहर में चोरी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक चोरी का मामला सिरसा के मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल का सामने आया है। प्राइमरी स्कूल में बने आंगनवाड़ी केंद्र में रात को चोरी हो गई, जिसके चलते चोर आंगनवाड़ी केंद्र से खाने पीने की वस्तुएं, खिलौने इत्यादि सामान चुरा कर ले गए। जब सुबह एक वर्कर अचानक केंद्र में पहुंचा तो उसने पाया कि केंद्र का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी को देखकर ऐसा लगता था कि मानो चोर पूरी प्लानिंग के साथ आए और सामान उड़ाकर ले गए। चोरे हुए सामान में 60 पैकेट दूध, गेहूं, चावल इत्यादि थे। इसकी सूचना उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दी और मामले की जांच करने के लिए कहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। टाइम का तो मैम जैसे पता नहीं, हम सुबह आए हैं, जैसे स्कूल से हमने चाबी का पता किया, अभी चाबी मिली नहीं। हम भी ऑफिस की तरफ से यहाँ भी दीवार कूद कर देखने आए हैं, भी हमारा राशन आया तो देखा भी ताला टूटा पड़ा है। उसमें जैसे कणक था, चावल था, सारे निकाल रखे हैं। सिलेंडर था, सिलेंडर गायब है। बाकी जो बच्चों का खाने का जैसे मुरमरा वगैरह आता है, जो दूध की सप्लाई आई थी हमारी, वो सारा का सारा दूध की सप्लाई उठा ली। बाकी जैसे अलमारी था, रजिस्टर रखे थे, वो तो हमारी बंद है, लेकिन बाकी सारा राशन का पूरा सामान ले गए उठा के। जिस तरह से स्कूल तो बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चोरी की घटना। हाँ, चोरी की घटना जैसे दीवार से कूद के आते हैं जी। बाकी अभी ऑफिस तो 5 बजे तक खुला ही रहता है, जैसे दिन में तो हो नहीं सकता। बाकी इन्होंने भी नहीं पता लगा है भी चोरी का। ये लग तो ऐसे रहा अभी 5 बजे के बाद ही हुआ, रात को होया है या उसके बाद होया है, क्यों 5 बजे तक तो साथ में ऑफिस खुला ही होता है, अभी आया जाई रहती है ऑफिस में। इस वजह से मेरी हेल्पर ने देखा आके ना, मैंने उसको भेजा था। मेरी काफ़ी टाइम से तबीयत खराब चल रही थी, अब आज चौथा दिन हुआ। मेरी बड़ी सिस्टर वो एक्सपायर हो गई थी, भी मैं आ नहीं पा रही थी, भी मैंने इनको भेजा था, दोनों हेल्परों को भी जाकर ना अभी देख के आओ, भी चाबी मिली नहीं। फिर ये मैंने कहा अभी एक बार पता तो लगाओ, देखे दीवार कूद के जैसे भी आई अंदर, आई तो सारा सामान बिखरा हुआ, ताला टूटा हुआ था। आपने दूध बताया, दूध के कितने पैकेट थे? दूध के हमारे 60 पैकेट थे, 60 थे ना, 60 पैकेट। चावल थी, कणक था। कितने चावल? चावल 50 या 60 के आसपास चावल थे, इतनी कणक थी। बाकी दो आंगनबाड़ी हैं, उसका भी था जैसे चावल कणक, उनका भी सामान था साथ में। हाँ जी हाँ जी, सारा सामान हमारा ही थे। मेन सिलेंडर था, भी सिलेंडर भी ले गए उठा के। या तो भी सामने वहाँ ये बैंक में है, सामने वहाँ से पता लग सकता है। बाकी यहाँ कोई चौकीदार है नहीं, ना तो यहाँ भी ऑफिस में है या ना स्कूल में है। अभी आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की? कंप्लेंट अभी जाएंगे, अभी आए हैं, अभी इनती जैसे मेरे को सूचना दी, भी ऐसे मैंने महकमे को सूचना दे दी, CDPO मैडम को भी बता दिया, अपनी सुपरवाइजर को भी बता दिया, भी वहाँ से ऐसे ऐसे चोरी हुई है, अभी आप आ जाओ, हम भी कंप्लेंट दे देंगे उसकी। अब देखो आते हैं क्या कहते हैं। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। ये तो देखो जी, अभी हम कल तो आए थे और तब हमें चाबी नहीं मिली थी, जैसे स्कूल की चाबी नहीं मिली थी। उससे पहले हमने जैसे राशन वगैरह सारा बांट दिया था, तो अब हमें आज सुबह जैसे दोनों हेल्परे आई थी और इनका फ़ोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे चोरी हो गई है, और फटाफट मैं उसी वक्त ही आई जैसे, फिर हम दीवार कूद के भी ऑफिस वाली और यहाँ आए, देखा सारा राशन जो है हमारा चोरी हुआ पड़ा है। नहीं नहीं अभी जो हम, हाँ पहले राशन तो हम हर महीने ही बांटते हैं, जैसे हमने पहले बांट दिया था इस महीने का राशन। दूध तो जैसे अभी आया था, और हमने भी हमने अभी हफ्ता ही हुआ अभी दूध को आए हुए, तो बाकी जैसे कनक और चावल पड़े थे। कितने